गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। एंड गाइज आज मैं आ चुका हूँ पुराना किला, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। सो गाइज अभी दिल्ली में लॉकडाउन ख़त्म हो गया, एक दूसरा लॉकडाउन लगा था बट अब सब खाली ख़त्म हो गया है। सो अब यहाँ पे जो है सो कि इंसान आके घूम सकते हैं, सब कुछ खुला है। तो आज हम आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे, एंड आपको पूरा रिव्यू दिखाऊंगा एंड बढ़िया तरीके से बताऊंगा यहाँ पे कि हाँ कैसा है, क्या क्या है यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा। तो चलो चलते हैं अंदर एंड अपने साथ आपको इस जर्नी लेके चलता हूँ, मज़ा आएगा आपको। चलो गाइस देख सकते हो आप कितना बड़ा गेट है। आगे पीछे इस साइड में नदी है थोड़ी सी, और इस साइड में जंगल जंगल है। यहाँ पे 40 रुपये लगा टोकन से, एंड आप ऑनलाइन अगर करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। एंड कोई भी सामान अंदर नहीं आता, बाहर ही आता है। सो हमने हमारे पास DSLR था, तो बस कैमरा फोटो शूट के लिए लाए हैं। एंड बहुत ही मज़ा आएगा आपको घूमने में, बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे घूमने के लिए भी। तो चलो चलते हैं एंड आपको घुमाता हूँ। मैं हूँ एंड मेरे भाई हैं, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। सो चलो चलते हैं गाइज। एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, चैनल में सब्सक्राइब कर देना गाइज। इसलिए सो गाइज ये बता दूँ मैं आपको कि इसे पुराना किला क्यों कहते हैं, इसके बारे में पता नहीं। अगर आप लोग पता तो प्लीज़ कमेंट करना, बट इसे ओल्ड किला के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि लाल किला के पहले बना था। तो ये अभी ये बता दूँ, ये दो पार्ट है। एक पार्ट जो है रोड के उस साइड है, रोड बना था ना, तो दो भागों में हो गया था उस साइड। बट इसे पुराना किला ही कहते हैं, एंड ये नहीं पता कि क्यों कहते हैं इसे। एंड बहुत ही लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर डेस्टिनेशन है घूमने का, तो बड़ा है। एंड गाइज यहाँ पे अभी तो बहुत ही कम भीड़ हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि अभी लॉकडाउन, बट लॉकडाउन खुल चुका है। एंड घाट बहुत ही बड़ा है। एंड ये जो पत्थर जो लगे हैं ना, जितने गाइज जितने भी पत्थर लगे हैं ना, ये सारे पुराने जमाने के पत्थर हैं, बिल्कुल लाल है, ये पेंट नहीं किया जाता। ये लाल पत्थर पहले आते ही थे। और गेट भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही पुराना गेट है। पहले ऐसा लगता था ये गेट ऐसे बहुत ही पुराना गेट है। दो गेट है यहाँ पे, एंड ये देख सकते हो साइड में भी एक गेट है, एंड लोहे का गेट है। गेट है जब मुझे लगता है कम से कम 20 फुट का है गेट। ये बहुत ही बड़ा पुराना देख सकते हो आप लोग, ये लाल पत्थर का ये पेंट नहीं है, बहुत ही उस टाइम देखो कितनी मजबूती थी। अभी भी देख सकते हो ऊपर गम कैसा, ये कैसा है ऐसी। एंड ये कुछ उस टाइम जैसे उस टाइम के लिए देख सकते हो, गम्बर वम्बर बनाने के लिए था। सो भाई जी, और ये लोहे का भी गेट है इसमें, या इसके अंदर म्यूजियम भी है। एंड म्यूजियम भी घूमेंगे, एंड बहुत ही बड़ा ये, तो ये पूरा अच्छे तरीके घूमेंगे। अभी हमारे पास एंट्री हुई है दो साइड में, एक साइड इधर भी है इस साइड में, एंड इस साइड भी है, और सो आगे भी है, तो आगे भी जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी जो भी है हमेशा रखती है। तो देखो इसे मैनेजमेंट करके रखा गया है, घास वास को हमेशा पानी में दिया जाता है यहाँ पे। एंड देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा आता है व्यूज़ यहाँ पे आने के बाद, बहुत ही अच्छी वायु आती है। सो ये देखो गाइस, ये टूट गया कुछ। हम ऊपर भी गए थे जब एक बार मैं आया था, तो ऊपर भी गए थे हम, तो वहाँ पे ऊपर भी जाएंगे। एंड धूप जो है सामने पड़ रही है, इसलिए थोड़ा भी लगे। ये एक तरफ हाँ एक तरफ से एक घर था, एंड यहाँ पे लोग रहते थे। एंड ये म्यूजियम, तो इसके अंदर हम चले गए म्यूजियम के अंदर। अभी वहाँ पे जो है वीडियो बनाना मना है, अभी मैं पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई वीडियो नहीं शूट कर सकते। तो कोई नहीं, चलते हैं घूमते हैं। एंड अगर हो सके तो थोड़ा बहुत हिंट आपको दिखा दूंगा, अगर हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा। एंड देखते तो म्यूजियम के लिए टाइमिंग क्या है खुलने उलने के, चलते हैं पीछे एंड दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से पूरा। देखो ये सारा जो है अभी बंद पड़ा है, एंड अभी मोहर लगा गया बाकायदा, तो सारा कुछ बंद पड़ा है। एंड देख सकते हो बहुत ही पुराना किला गाइस, मैं बता दो बहुत ही पुराना। इसको मुझे हमें पता भी नहीं है कब का है। मुझे लगता है जिस टाइम मुगल शासन था उस टाइम का, अंग्रेजों का शासन अभी था ये। सो ये देख सकते हो बहुत यहाँ पानी वाना हर चीज़ का व्यवस्था है तो अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पर शीशा लगा गया बाकायदा, बहुत ही मजबूत ये गाइस, एंड बहुत ही बड़ा। तो घूमते घूमते बहुत ही टाइम लग जाता है यार गाइस। मैंने कहा इसके अंदर कुछ रखा गया है, बट हम नहीं जा सकते, नॉर्मल आदमी नहीं जा सकते, टूरिस्ट आते वो लोग नहीं जा सकते, और बाकी लोग जाते हैं इसके अंदर। एंड बहुत ही यार साइंट आप वाइब देख सकते हो, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी आप लोगों को इस टाइम। एंड अभी घूमने में बहुत ही टाइम रहेगा, सो अच्छे तरीके से घूमना है यार। एंड मुझे यार यहाँ तो क्या है कि यार जब किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ मैं, सोचता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ कि आप लोगों को भी पता चले बस। तो इस चक्कर में आ गई बहुत ही कुछ सोच समझ के एंड बोलना पड़ता है कि हाँ क्या चीज़ कैसे जगह पे अच्छी तरीके लगेगी। ये देखो देख सकते हो गाइस, पूरा पत्थर से बना हुआ पूरा किला जो है, पूरा उस टाइम पत्थर से बना हुआ है। एंड यार सोचो जब बना होगा ये तो कितना ज़्यादा मेहनत लगा हो, एंड कैसे बना होगा यार इतने भारी भारी पत्थर, कैसे ऊपर गए होंगे कैसे कैसे, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह है ना गाइस जहाँ पे नामुमकिन है
कि उस टाइम तो मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं चलती थी, तो ज़्यादातर इंसानों के द्वारा ही जाता था ये सब चीज़। एंड सोचो उस टाइम कितना मेहनत लगता होगा यार इसे ऊपर ले जाने में। सो आप लोग भी जान सकते हो और मैं भी जानता हूँ, उस टाइम कोई क्रेन व्रेन कुछ भी नहीं था। इसके अंदर लड़ाई वड़ाई के समय यार हथियार वथियार छुपाए जाते थे, उस चीज़ के लिए बनाया गया ये। एंड सोचो यार कितना ज़्यादा उस टाइम राजा जब कि आज हर चीज़ लोग बचा के रखते थे। ये देख सकते हो इतने अच्छे पौधे होते हैं, अच्छी तरीके से इतना डेकोरेट किया गया ना, इसे डेकोरेट हुआ ये, डेकोरेट किया नहीं गया यहाँ पे पौधों से लगा के, इतना अच्छा ना, इतनी शांति है ना गाइस, पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा शांति। ये पूर्वोत्तर संरक्षण एंड उसके बारे में बताया गया, लिखा गया है, और हम म्यूजियम के अंदर घूम के आ गए गाइस। एंड यहाँ भी अभी भी इस टाइम सफाई पर चल रही है, बस सफाई हो रही है यहाँ पे। एंड ये देखो यहाँ डस्टबिन जो है देख सकते हो रखा गया है, कोई सामान खाने के लिए सामान तो यहाँ एंट्री होती नहीं यार गाइस, लोगों को सामने पीने का। बट ये देखो पूरा 1 किलो जो है ना पूरा पत्थर से ही चारों तरफ से घिरा हुआ था। एंड देख सकते हो बहुत सारा चीज़ जो है टूट गया अभी गाइस, इसी जगह से देख सकते हो ये सब चीज़। एंड ये समाधि है शायद जो लोग मर जाते थे देख लो उनके लिए, जो लोग उनकी समाधि है शायद। और ये देखो सब टूटा पड़ा है, आधा से ऊपर तक टूट गया यार गाइस, देख लो ऊपर देखो आप लोग इस साइड देखो सब टूटा पड़ा है अच्छे तरीके से, इधर भी टूट गया है बहुत कुछ। यहाँ तो गाइस ऐसा है ना जो टूट रहा है धीरे धीरे, बट उसे मेनटेन करने के लिए यार कैसे कोशिश की जाती है। एंड बहुत कुछ है जो यहाँ पर टूट, हम लोग आधा लगभग आधा से कम ही 25% अभी तक घूम चुके हम लोग। एंड पीछे सब देखो आप बहुत कुछ टूटा हुआ है। एंड इधर देखो गाइस देख सकते हो यहाँ से राजा देख ये ऊपर बंद कर रहा था हमेशा कहीं खुलता ही, देखो ऊपर नहीं जा सकते हो। एंड अंदर जो है ना पानी वाई लग रहा था, उसके अंदर चलता हूँ मैं आपको लेके अभी, चलो। एकदम बहुत ज़्यादा ठंडक है अभी भी। एंड ये क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। तो उस टाइम में गेट है या अभी लगाया गया जैसे भी। एंड देखो यहाँ पानी वानी के लिए यहाँ बहुत ही ये अंदर है अंडरग्राउंड में, देखो भाई ये देखो अंडरग्राउंड में ये। एंड ये किस काम में आता था किसी को कुछ नॉलेज, मुझे तो फिर तो पता नहीं, अगर किसी को पता है बताना, बट मुझे नहीं पता। एंड ये जो गेट है देखो बंद कर दिया, लगाया गया पहले खुला हुआ था, देख सकते हो इस टाइम ईट से इसे घेरे हुए करके बंद किया गया है भाई। एंड ये किस लिए था कुछ भी पता नहीं है। तो पीछे टूट गया है पार्ट, बट यहाँ जो होता है कि यहाँ बैठे बैठे के लिए या फिर हाँ बैठे बैठे के लिए शायद बना हुआ था, जो भी मुझे इतना आइडिया नहीं यार गाइस। एंड देख सो पूरा बहुत ही ज़्यादा अभी धीरे धीरे टूटा, लेकिन पत्थर इतने मजबूत बन गए अभी फोल्डर्स फोड़ नहीं आएंगे, ये अपने आप ही टूट के गिर रहे हैं। एंड पीछे देख सकते हो कि टूट रहा है। एंड इस साइड में जो गाइस इस साइड में पीछे जंगल है, सो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपको जंगल गाइस। ये किस लिए बनाया गया, टूटा है या फिर ऐसे बनाया गया था इसे कुछ आइडिया नहीं मुझे। एंड ये देख सकते गाइस इस साइड में जंगल है, सो कि इस साइड में कुछ जाना सही भी नहीं है हमारे लिए। एंड इधर जो है बता दूँ मैं आपको कि इस साइड ये जो पीछे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, यहाँ से गाइस पीछे यहाँ दरबान था खड़ा रहता था देखने के लिए। एंड सब पीछे का पूरा व्यूज दिखता है, सो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ एक सेकंड को, अभी ऊपर चलिए फिर आपको दिखाता हूँ। इतना मज़ा आएगा ना देख के, आगे बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। पीछे का दिखाया जाए पूरा पीछे देखो जंगल जंगल गाइस, ये तो नीचे कितनी गहरी खाई है, मैं इससे आगे जाऊँगा नहीं। सो ये देखो पीछे गाइस पूरा जो है छाड़ी पूरी देख सकते हो आप लोग, इस साइड जंगल ही जंगल है पूरा। कुछ टूट गया है गाइस, यहाँ के टॉयलेट्स में बहुत ही गंदा फैला के रखा है गाइस, सच्ची बता रहा हूँ।
बहुत ही गंदे तरीके से फैला रखा है इन्होंने। एंड अभी चलते इस साइड में, आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। ये देखो पौधा है, पता नहीं किसी का फूल, देखो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखने में लग रहा है अच्छा व्यू आ रहा है ना आपको पीछे, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। एंड अभी हम वहाँ भी जाएंगे उस साइड में, मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा। एंड वो सारे राजा का जो मेन किला जो राजा रहते थे उनके लिए था। एंड चलेंगे अभी उस साइड में, तो सो यहाँ फोटो शूट चला उसके बाद चलते हैं उस साइड में। एंड ये देखो कितना प्यारा व्यूज़ आ रहा है पीछे, देखो मेरे कितना प्यारा व्यूज़ आ रहा है यार। अब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कवर कर दिया ना, आपको भी दिखाया मैंने सब कुछ। एंड अब मैं पीछे का दिखाता हूँ आपको, उस साइड चलेंगे पीछे, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके सब कुछ दिखाऊँगा। एंड इधर है जो गाइस देखो नदी है, शायद नाला है, नदी है, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा इधर, इधर जाने यहाँ जाने में नहीं देते इस साइड में, तो उस साइड भी चलेंगे। प्यारा लग रहा है ना, यहाँ पे शायद खाने के लिए था या फिर शायद राजा रहते थे। ये देखो कितना मस्त वाइब, देखो इधर का चारों तरफ हरियाली हरियाली, तो पूरा जंगल। एंड ये देखो किला का जो है ना, यहाँ पे रोकने के लिए कोई आक्रमण ना करे उसके लिए बनाया गया है। यहाँ वहाँ चलने आए, आपको दिखाता हूँ व्यूज़ वहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यूज़ आएगा गाइस वहाँ से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो चलो चलते हैं वहाँ पे, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो कितना गड्ढा है इधर गाइस, ये देखो गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा गड्ढा है यार उस टाइम में, देख सकते हो अभी भी बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, देखो देख रहे हो। राजा का मेन किला जो है, मेन भवन है, ये देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना अभी। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, थोड़ा बहुत जैसे कुछ पत्थर जो टूट टाट गया था उसे डैमेज को हटा के अच्छा तरीके से रखा गया है। एंड इधर जो है खाई खाई है आप देखो, और ये शायद क्या है, ये कुआं है क्या है, सो अभी देखते हैं एंड बताता हूँ मैं आपको क्या है। एंड देखो गाइस देखो कितनी प्यारा व्यू है गाइस, देख रहे हो। और सामने है गाइस म्यूजियम, जिसका मैंने आपको ब्लॉग दे रहा था। एंड ये देखो ये क्या है, ये शायद वो है सत्तू वत्तू पीसने के लिए, पहले जब चलते थे ना वो घोड़े, उसका है ये चीज़ वो है गाइस ये, और पूरा इधर अच्छे तरीके से ढक दिया गया है ताकि कोई जाए ना अंदर, कुआं है गाइस। बहुत ही कम से 10 मिनट तक रेस्ट करने के बाद पीछे यहाँ बैठे होते हैं। एंड अब चलते हैं आगे, चलने वो नीचे देख सकते हो करता है। एंड इस साइड चल के एंड आपको थोड़ा सा और रह गया, बस इसे दिखा दूँगा, तो इसके हाथ से हम लोग निकलेंगे। तो 3:30 हो गए हैं घूमते घूमते यार, बहुत थकान हो गया, तो हम बैठ गए थे तक मतलब आधे घंटे तक, 10-15 मिनट आधे घंटे बैठे थे। नहीं देखो पूरा जंगल, इधर भी जाने का रास्ता है, पूरा टूट गया है ये पुराना किला पूरा। सो गाइस ये देखो ये पुराने जमाने के पहले के जो है घर है नीचे देख सकते हो सारा कुछ। एंड अंदर भी अंडरग्राउंड कुछ कुछ था इसके अंदर पहले जो भी यूज होता हो। एंड इस साइड भी ऐसे ऐसे अंडरग्राउंड यहाँ पर बने हुए हैं ना गाइस, क्योंकि पहचान नहीं सकता, पूरा झाड़ ही है सारा तब देख सकते हो। एंड हम चलेंगे उस साइड में ऊपर, तो चलो चलते हैं। एंड मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से पहले सब कुछ, देख रहे पूरा टूटा हुआ है। एंड ये देखो गाइस पूरा इसे घेरा गया है, कितना देख रहे हो गड्ढा है, कोई आ नहीं सकता था इधर। ये देखो कितना प्यारा व्यूज आ रहा है ना गाइस, बीचों से ऐसे ऐसे जगह है ना इधर कि पूछो नहीं। ये देखो देखो पहले गाइस देखो हॉरर मूवी गाइस, ऐसा है ना अंदर जाके इंसान भूल जाएगा। ये देखो अंदर अंदर पूरा गया हुआ है अंदर। सो गाइस ये देखो इधर भी है गाइस, ऐसे ऐसे गड्ढे है ना हमें पूछो नहीं बहुत। एंड अब निकलेंगे यहाँ से हम लोग पूरा घूमने के बाद। एंड ये देखो पहले जो प्रजा रहने के लिए ये बनाया गया था, और यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि रानी वानी को रहने का जगह कहाँ है, वो चीज़ अभी तक देखा नहीं मैंने। एंड ये देखो पहले जेल की तरह ये फाटक टूटा हुआ है, ये देखो ऐसे क्योंकि जेल का था ये टूटा हो जो कि। ये देखो अंदर ही अंदर का पेड़ बनाया गया था ये सब रहने की, पहले यार जमाने में गेट नहीं होते थे ना, सब लोग अपने घर ऐसे ही रखते थे। देखो ये प्रजा वजा के लिए था गाइस, ये देखो। एंड अभी कितना ज़्यादा डस्ट यहाँ फैला दिया है लोगों ने घूमने के बाद। एंड देखो अंदर पहले लोग ऐसे ही होता था पूरा किले में, देखो कितने दूर था कहीं आपको गेट नहीं देखा पूरे किले में। एंड यहाँ से बाहर निकलते हैं घूमने के बाद, सो चलो निकलते हैं बाहर। एंड देखो कितने ज़्यादा मजबूत है ये पत्थर, अब नहीं मिलेंगे आज के टाइम में पत्थर कोई सा भी कहीं नहीं मिलेगा गाइस। निकलते हैं चलते चलते 3-4 घंटे होते तो अब यहाँ से निकलते हैं। एंड
आजा चंदा बाहु ये देखो ये कह जानते हो जो लोग लड़ाई में मरो जाते हैं ना उनकी ये समाधि बनाई है। ये समाधि है क्योंकि ऐसा इसका आर्किटेक्चर बनाया गया ना तो समाधियों में दिया जाता है वो। सो अब पीछे पूरा घूम गया है कि देखो पूरा ये टूट गया है, ये तोड़ा गया है टूट गया है या फिर ऐसी है कुछ पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं। पीछे मेरे एंड लगभग हम सब घूम के एंड आ चुके हैं, तो 5-10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे गाइस। एंड मज़ा आया घूम के, अगर आप लोग दिल्ली या फिर कभी दिल्ली आओ ना गाइस तो ओल्ड किला ज़रूर घूमना, बट यहाँ फैमिली के साथ आने लायक नहीं है। मैं बता दूँ आप लोग फैमिली से साथ कभी नहीं आना गाइस, अकेले आना फैमिली के साथ नहीं, क्यों यार सही नहीं है, मैं झूठ की बताऊँ आप लोगों को सही नहीं है आना। सो यहाँ सब निकलते हैं गाइस, बहुत ही घूम लिए, बहुत ज़्यादा थकान हुई। सो यहाँ सब चलते हैं हम घर एंड बताना आपको ब्लॉग कैसा, ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना है, चैनल करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है प्लीज़। दूसरा गेट एंड ये सेकेंड गेट है पुराने किले का एंड ऊपर देखो गाइस। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से गाइस एंड मज़ा आया गाइस घूम के। ये देखो गाइस ये रहने वहने के लिए आने वाने का जो बैठे बैठे दर्जा उसका है ये। तो ये जेल था जिसमें कैदी वैदी जो थे उनको रखा जाता था, तो ये बनाया गया था उनके लिए एंड कुछ जो औजार औजार थे हथियार से उस चीज़ को रखा गया था। क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ पास में भी देखते हो जेल गाइस, कि जेल या फिर हथियार जो भी कह सकते हो रखने के लिए था एंड सारा कुछ कवर करते जितना लगा जितना भी हुआ सब कुछ कवर कर लिया है एंड बहुत चीज़ें बदलाव भी हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लोग चलने बाहर एंड कुछ जाके पहले बहुत ही तेज हो गई देखो गाइस कितने ऊँचे होते देख लो दीवारें दी गई हैं। सो यहाँ से हम लोग निकलेंगे बाहर एंड गाइस बहुत ज़्यादा थकान हो गया, बहुत ही ज़्यादा थकान यार पूछो मत एंड आपको मुझे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा यार गाइस। एंड बहुत दिनों से डेली ब्लॉगिंग कर रहा था बट छोड़ दिया था बीच में, गांव में गया था तो वहाँ नेटवर्क नहीं आता इसलिए ब्लॉग घेर नहीं पा रहा था मैं, तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग छोड़ ही दी थी वहाँ पे, लेकिन ब्लॉग वहाँ शूट किया हूँ जो कि अब घेरूँगा सारा। सो चलो अब मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ से बाहर निकलते हैं, पहले कुछ खाते हैं एंड चलते हैं घर। सो चलो चलते हैं, यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं घूम घाम के बाहर आ गए हैं। सो मैं बता दूँ इस साइड में है जू गाइस, इस साइड जो कि अभी बंद पड़ा है, सो यहाँ भी बहुत जल्दी आऊँगा एंड आपको यहाँ पर भी बहुत जल्दी दिखाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग निकले घर एंड चलो चलते हैं यहाँ से घर डायरेक्ट गाइस एंड पहले मास्क लगा दूँ वरना चलाने बहुत तगड़ा वाला। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से घर डायरेक्ट एंड इस साइड जू है जो कि अभी बंद पड़ा है गाइस, यहाँ मैं कभी ना 10 बार आ गया बट जितने बार आया ना उतने बंद पड़ा है, उतना टाइम बंद पड़ा था। सो कोई नहीं एक टाइम जरूर खुलेगा, चलो यहाँ से चलते हैं गाइस एंड यहाँ पे ओल्ड किला में कभी यार फैमिली को लेके नहीं आना, मैं हाजी रिकमेंड करूँगा आपको फैमिली के साथ नहीं आना, अकेले आना घूमने के लिए तो सही नहीं है यार। चलो चलते हैं डायरेक्ट घर गाइस, अभी हम लोग घूम करके एंड आ चुके हैं और ये मेरा छोटा बाबू है। सो अब मैं इस ब्लॉग का एंडिंग करता हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।